पौड़ी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि पुलिस ने बुआखाल के समीप अवैध लीसा की तस्करी कर रहे 5 शातिर तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस उपाधीक्षक संचार अनूप काला ने बताया कि शांति व्यवस्था चेकिंग ड्यूटी के दौरान अवैध लीसा से भरे 3 ट्रकों को चेक किया गया, जिसमें अवैध लीस मिले। वहीं पूछताछ करने पर वाहन चालक और परिचालक के वाहन में लीसा भरा होने के संबंध में कोई भी कागजात नहीं पाए गए थे। पौड़ी से मुकेश पछेती की रिपोर्ट। ये 3 गाड़ियां ट्रक थे, पाबो से बुआखाल की तरफ आ रहे थे, तो चेकिंग किया गया तो उसमें लीसा पाया गया। तो इनसे चालकों से पूछा गया कि भाई ये क्या है, तो उनके द्वारा बताया कोई भी कागजात प्रस्तुत नहीं किए गए और इसका मतलब अवैध होना पाया गया। तो उसके बाद इनके खिलाफ वन अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और बाकी इनके पास से 2-2.5 लाख के लगभग नकदी भी बरामद हुई है। ये 3 ट्रकों में बरामद हुआ है और इसमें लगभग 2003 कनस्तर, जिनका मार्केट वैल्यू लगभग आज की डेट में 1 से 1.5 करोड़ होना